हेलो दोस्तों, आप सभी ने स्वेज कैनाल क्राइसिस के बारे में तो सुना होगा। वहाँ पर एक एवरग्रीन कंपनी की शिप फंस गई है। आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसी बातें बताने वाला हूँ स्वेज कैनाल के बारे में, वो कैसे बना, कब बना, कैसे शुरू हुआ और वहाँ पर अभी जो हुआ है, करंट इशू है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊँगा। वैसे तो सभी लोग स्वेज कैनाल क्राइसिस के बारे में बता रहे हैं, लेकिन उसकी हिस्ट्री काफ़ी कम लोग बता रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं आपको उसकी हिस्ट्री बताऊँ और शुरुआत से बताऊं वो कैसे बना, क्यों बना और किस लिए वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड का 12% ट्रेड सिर्फ इसी रूट से होता है, स्वेज कैनाल वाले रूट से। ये किसको किससे कनेक्ट करता है? ये रेड सी को कनेक्ट करता है मेडिटेरेनियन सी से। रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को कनेक्ट करता है और वर्ल्ड का 12% ट्रेड सिर्फ यहीं से होता है। अगर मान लो स्वेज कैनाल ब्लॉक हो जाए तो सभी को नीचे की तरफ से जाना पड़ेगा। जितने भी शिप्स हैं जो ट्रेड के लिए यूज़ होते हैं, उनको नीचे की तरफ से जाना पड़ेगा अफ्रीका की तरफ से, और काफ़ी ज़्यादा टाइम और फ्यूल का खर्चा आएगा। लेकिन स्वेज कैनाल के बनने से, जो 1869 में बनकर तैयार हुआ था, इसका काम शुरू हुआ था 1859 से और ये 10 साल में कंप्लीट हो गया था 1869 में। और ये किसने बनाया था? ये एक फ्रेंच कंपनी ने बनाया था और उस टाइम रूल था ओटोमन एम्पायर का। ओटोमन या फिर हिंदी में बोलते हैं उस्मानिया सल्तनत, उसका रूल था टर्की से लेकर इजिप्ट तक। ये अभी जो है इजिप्ट के कंट्रोल में आता है। तो स्वेज कैनाल से इतना काम आसान हो गया था। ये रेड सी को डायरेक्टली कनेक्ट कर देता है मेडिटेरेनियन सी से, और जो काफ़ी लंबा रूट पहले था उसको एक काफ़ी शॉर्ट कर देता है। मतलब अब काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाता है और डायरेक्ट यूरोप के साथ हम ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं हो पाता था। तो अब स्वेज कैनाल से ये फ़ायदा हुआ कि काफ़ी जल्दी से ही यूरोप तक पहुंचा जा सकता है और जो भी ट्रेड है वो की जा सकती है। इसीलिए वर्ल्ड का टोटल 12% ट्रेड यहीं से होता है। इसके अलावा आप अब ये सोच रहे होंगे, लेकिन ये स्वेज कैनाल नाम कैसे पड़ा? तो दोस्तों, स्वेज कैनाल उसी कंपनी का नाम था, उसी फ्रेंच कंपनी का नाम था जिसने 1869 में इसको बनाकर तैयार किया था। इसीलिए उसी के नाम पर इसको बोलने लगे स्वेज कैनाल। कैनाल का मतलब होता है नहर, अगर आप हिंदी में जानना चाहते हैं। तो दोस्तों, अब समझते हैं इशू क्या हुआ है इस बार। तो दोस्तों, इशू ये हुआ 23 मार्च मतलब इसी साल की 23 मार्च 2021 की 23 मार्च, एक एवरग्रीन नाम का कंटेनर जा रहा था जो 400 मीटर लंबा था। उसके अंदर सारा का सारा क्रू इंडियन था, मतलब सारे लोग जो भी उस शिप को सेल कर रहे थे वो सभी इंडियंस थे। लेकिन काफ़ी लोग सोचेंगे अब तो इंडियंस ने कुछ गलती कर दी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप खुद को ब्लेम क्यों कर देते हो इतनी जल्दी? काफ़ी कम लोगों को पता होता है, जब स्वेज कैनाल से पास करते हैं शिप्स तो वहाँ पर उनका अपना सेपरेट क्रू होता है जो वहाँ पर शिप को हैंडल करता है, वही उनको पार करा कर देता है और वो काफ़ी ज़्यादा चार्ज भी लेते हैं, तो वही उनको पार करा कर देता है। एक्चुअली रियल में तो ये हुआ है, जब वहाँ का क्रू, इजिप्ट का जो क्रू था जो शिप को पार करा रहा था स्वेज कैनाल से, वो गड़बड़ कर रहा था, तब इंडियन क्रू ने उनकी उल्टा हेल्प की थी, आप सोच सकते हैं। तो दोस्तों, 23 मार्च से ये बंद पड़ा था। सब सोच रहे थे अब तो क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ जाएगा, पेट्रोल का और जो भी मॉल्स में सामान आते हैं उन सभी का प्राइस बढ़ जाएगा, तो ऐसा सभी सोच रहे थे। लेकिन खुशखबरी ये है कि आज 29 मार्च को ये रास्ता खुल गया है और जो कंटेनर था एवरग्रीन नाम की कंपनी का, मतलब एवरग्रीन नाम का, वो वहाँ से निकल गया है। अब वो वहाँ से निकल गया है और रास्ता खुल गया। अब धीरे धीरे जो ट्रैफिक है वहाँ पर, जो और भी शिप्स आए हुए हैं, वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। और ये एवरग्रीन एक ताइवान की कंपनी है। तो दोस्तों, 23 मार्च से ये बंद पड़ा था, आप सोच सकते हो 6 दिन हो गए हैं पूरे, और आज 29 मार्च को ये खुल गया है और इसीलिए हर जगह ये न्यूज़ में छाया हुआ था। आप कल सुबह भी अगर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आपको हर जगह ये दिखाई देगा। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है इस इशू को लेकर जो मैंने आपको अभी समझाया, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मुझे लगता है मैंने आप सभी को करंट में जो इशू चल रहा है वो आपको समझा दिया है, साथ ही साथ हिस्ट्री भी बता दी है। दोस्तों, मैं ऐसे ही आगे भी आपको नए नए जो इशूज़ होंगे, जो इंपॉर्टेंट इशूज़ होंगे हम सभी के लिए, जैसे ये इंपॉर्टेंट इशू था। क्यों था इंपॉर्टेंट इशू? क्योंकि हमारे घर का सामान है, पेट्रोल है, हम सभी डेली यूज़ करते हैं, या जो भी घर का सामान होता है वो हम लेने जाते हैं, तो वो सभी महंगे हो जाते हैं इसी की वजह से। आप सभी समझ सकते हैं कि आजकल ग्लोबली वर्ल्ड कितना कनेक्ट हो गया है, एक दूसरे से कनेक्ट हो गए हैं ग्लोबलाइजेशन के बाद सभी लोग। तो आप खुद ही समझ सकते हैं, देखो किस तरह एक शिप नहीं जा पा रहा था एवरग्रीन नाम का, उसी से इतना बड़ा पूरे वर्ल्ड पर असर पड़ जाता, खासकर हमारे देश पर। क्रूड ऑयल महंगा हो जाता, पेट्रोल महंगा हो जाता, जो भी ऑयल है वो महंगा हो जाता, आसपास का सामान महंगा हो जाता सब। तो दोस्तों, देख लो किस तरह दुनिया बदल गई है अब। इस तरह के जो भी इशूज़ होंगे मैं उन पर वीडियो लाता रहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।